के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर महोत्सव की तैयारी का कमिश्नर और डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नव निर्मित जेल पुलिस चौकी का किया उद्घाटन, किया पौधारोपण। गोरखपुर के पूर्व एसएसपी को मिली नई जिम्मेदारी, बनाए गए गोरखपुर 26वीं वाहिनी के कमांडेंट। विद्युत विभाग में निविदा कर्मियों के भुगतान से मिल रही शिकायत को लेकर पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने गोरखपुर जोन की बैठक, शिकायत को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सपाइयों द्वारा केंद्र सरकार का पुतला फूंकने के प्रयास को पुलिस प्रशासन ने किया विफल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अनाथालय के बच्चों के साथ केक काटकर मनाई खुशियां, किया गर्म कपड़े व कंबल का वितरण। गोरखपुर महोत्सव में सुसज्जित होंगी गोरखपुर विश्वविद्यालय की बाहरी दीवार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की देखरेख में कलाकार भरेंगे रंग। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक हुई संपन्न, लोकसभा चुनाव की जीत की बनी रणनीति। सक्रिय क्षय रोग अभियान के तहत क्षय रोगियों की खोज के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला क्षय रोग अधिकारी ने सुविधाओं से लैस वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गंगोत्री देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना का सप्त दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ, मलिन बस्तियों में 7 दिनों तक चलेगा साफ सफाई और जन जागरूकता अभियान। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा की मांग। और फोर्थ अक्की कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में KS टैलेंट ने 11 स्टार को 57 रनों से हराया।